हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स फर्स्ट जो कि ग्रुप ए में चलाया जाता है, तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, सभी को बुला लीजिए ताकि स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, हम पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट में भी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल एंड देयर मेजरमेंट, एंगल क्या है, उनको हम कैसे नापते हैं, कोण और उसका मापन कहते हैं हिंदी में। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में एंगल हम किसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, बेसिकली हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे हम। और साथ ही एंगल क्या है, एंगल को कैसे कैसे नापते हैं, क्या क्या मेजरमेंट के सिस्टम्स हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमने डेफिनेशन लिखी है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये जो वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्री, आपका ये वर्ड डेराइव होता है ग्रीक लेटर से। ग्रीक वर्ड्स हैं दो। पहला वर्ड है आपका ट्रिग्नन, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। कहीं कहीं इसको तोड़ के लिखा गया है ट्राई प्लस गन। ट्राई मीन्स होता है तीन, गन मीन्स होता है साइड्स, मीनिंग उसका भी सेम ही है, ट्राइंगल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका मेट्रन, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट या मेजर। मेजर मतलब नापना है, मापना, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हो जाएगा, मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स या एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ये हो जाता है, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किस किस के बीच में डील करती है, साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के साइड और एंगल की स्टडी करते हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्री में, और उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उन सब की स्टडी करते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिख दी है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड वेरियस रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम। मीन्स इनके बीच में जो भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है उन सबको हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, अब हम शुरुआत करेंगे एंगल से। एंगल क्या है? देखिए, यदि दो रे ले ली जाए, दो रे या बेसिकली कहें दो लाइन ले ली जाए, यदि दो लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे से को टच करती हैं, एक दूसरे से एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो ये जो फिगर बन के आता है इसको हम एंगल कहते हैं। कैसे बनता है ये फिगर, देखिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम एंगल किसको कहते हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो दो लाइन, दो साइड्स बेसिकली कही जाए, जो एंगल बनता है यदि हम दो लाइन ले रहे हैं, दो रे ले रहे हैं, उन दोनों रे को एंगल की साइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ एक दूसरे से मिलती है, ये कॉमन वर्टेक्स हम इसको कहेंगे। मान लिया ये ए है, ये बी है, इसको हमने यदि ओ पॉइंट कहा, तो ये जो हमारी फिगर बन के आती है इसको एंगल कहा जाता है, ये एंगल होता है ये वाला। ठीक है, हम इसके एंगल को नाम दे सकते हैं थीटा। ये साइड्स हैं एंगल्स के, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड्स है। ठीक है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप साइड्स कह सकते हैं। ये साइड आपकी ओ ए और ये साइड आपकी ओ बी, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स और इसको कहते हैं हम एंगल। ठीक है, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो उससे जो भी फिगर आपका बन के आता है या जो भी आकृति बनती है उसको हम एंगल कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ। ये तो हमारी ज्योमेट्री में हो जाती है डेफिनेशन। अब देखिए, हम ऐसा कहें कि एक लाइन है, इनिशियल लाइन, ये मान लिया ओ है वर्टेक्स पॉइंट, ये ए है, एक लाइन ओ ए है जो पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करती है, मीन्स ओ ए के चारों तरफ घूम सकती है ये लाइन। यदि ये लाइन ओ ए के चारों तरफ रोटेशन कर सकती है, मीन्स ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में यदि ये लाइन घूम सकती है, तो मान लिया इनिशियल पोजीशन इसकी OA है, कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन OP हो जाती है, तो जितना भी ये ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक ट्रेस करती है इसे हम एंगल कहते हैं। मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद जो रास्ता कवर करती है, इसका मतलब है ये एंगल थीटा बनाती है। यदि हम इसको थीटा कह दें तो ये थीटा है, तो हम इसको एंगल कहते हैं। हम कहेंगे कि यदि लाइन ओ ए ओ पी तक पहुंचती है तो ये एंगल ए ओ पी ट्रेस करती है, या हम ऐसा कहें कि एंगल ए ओ पी बन जाता है, इसको कहते हैं हम इनिशियल लाइन
स्टार्टिंग वाली जो लाइन है इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन या फाइनल लाइन, टर्मिनल लाइन कहे या फिर फाइनल लाइन कहे, ये हमारा एंगल बन जाता है, ये वर्टेक्स है ही आपका, ठीक है। तो ये होता है एंगल। अब हम बात करते हैं कि एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। देखिए हमने कहा है कि ये लाइन इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन करती है, रोटेट करती है, ये इस पॉइंट के अबाउट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो जब रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम पॉजिटिव एंगल बनता है, यदि रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज होता है तब जो एंगल बनता है वो नेगेटिव एंगल होता है। कैसे, देखिए कैसे पॉजिटिव एंगल होता है और कैसे नेगेटिव एंगल होता है, किस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे, किस एंगल को नेगेटिव एंगल कहेंगे। देखिए ये सब आपने पढ़ा ही है, एंगल आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि हम एंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही है, बस अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, मीन्स रिविजन करा रहे हैं आपका कि एंगल क्या है। काफी टाइम हो गया होगा आपको पढ़े हुए एंगल्स। देखिए क्या हो जाएगा, मान लिया ये इनिशियल लाइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंगल देखो, ये इनिशियल लाइन ओ एक्स, ओ एक्स कहिए या ओ पी कहिए, कुछ भी कह दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं। यदि हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में। ये आपकी वॉच है, ऐसे ऐसे घूमती है सुइयां, जो मतलब घड़ी है जब चलती है तो ऐसे ऐसे चलता है टाइम इधर इधर। तो यदि इधर पहुंचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं इसे, हिंदी में वामावर्त कहा जाता है, वामावर्त तो दक्षिणावर्त कहते हैं ना। तो जो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में यदि हम चले तो उसको, तब जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम पॉजिटिव एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बनता है ये पॉजिटिव एंगल है। यदि ऐसा हो जाए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, जो एंगल बनता है उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे मान लिया ये है एक्स, ये मान लिया पी, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल। ये इनिशियल लाइन, ये हमारी टर्मिनल लाइन। इधर से भी यदि एंगल ऐसा बन जाए, माइनस थीटा कहते हैं इसको, इसको कहते हैं नेगेटिव एंगल। जब एंगल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, जब एंगल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। इसको पी कह दिया, ये हमारा वर्टेक्स है, ये आपकी इनिशियल लाइन, ये आपकी टर्मिनल लाइन, ठीक है। यहां लिख देते हैं साथ में ये बात भी कि कैसे हमारा एंगल पॉजिटिव हुआ, कैसे हमारा एंगल नेगेटिव हुआ। इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव पॉजिटिव, एंगल फॉर्म्ड इज पॉजिटिव, और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देन एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये तो बात हुई पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, किस टाइप से हम मेजर करते हैं, क्या यूनिट है एंगल मेजर करने की। देखो आप सबने बचपन से पढ़ा होगा डिग्री, ठीक है, डिग्री में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का एंगल को ये कहते हैं, 30 डिग्री का एंगल है तो उसे इस टाइप का एंगल कहते हैं। बहुत सारा कैटेगराइज किया गया है एंगल्स को कि इस टाइप के एंगल्स एक्यूट एंगल हैं, इस टाइप के एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हैं, इस एंगल को राइट एंगल कहते हैं, इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो कौन कौन से एंगल है ये सब पढ़ेंगे, उससे पहले हम सिस्टम्स पढ़ते हैं कि मेजर हम किस किस यूनिट में करते हैं। देखिए कुल 3 सिस्टम्स हैं एंगल्स को मेजर करने के। देखिए एक तो डिग्री सिस्टम है,
डिग्री सिस्टम मींस हम डिग्री में मेजर करते हैं एंगल्स को, डिग्री सिस्टम कहते हैं हम इसे, या सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, या हम इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कह देते हैं, या फिर इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। सेकंड सिस्टम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, या ग्रेड सिस्टम कहते हैं इसको। थर्ड सिस्टम है हमारा रेडियन सिस्टम, या सर्कुलर सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो हम तीन तरीके से एंगल को मेजर करते हैं, पहला हम डिग्री में मेजर करते हैं, सेकंड हम ग्रेड में मेजर करते हैं, थर्ड हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, ये सब हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास तीन टोटल सिस्टम है एंगल को मेजर करने के। तो यहां लिखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, किन सिस्टम में हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और क्या क्या है मेजरमेंट यूनिट। मींस डिग्री है तो डिग्री को भी सब डिवाइड किया गया है, तो डिग्री का, डिग्री से छोटा पार्ट यदि होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट को भी यदि हम डिवाइड कर दें फर्दर तो हम उसको क्या कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल यहां पर टोटल तीन सिस्टम्स हैं जो हमने अभी आपको बताए, तो हम यहां लिखेंगे देयर आर थ्री सिस्टम्स, थ्री सिस्टम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, या फोर मेजरमेंट ऑफ एंगल कुछ भी लिख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल या ऑफ एंगल, नंबर वन पहला सिस्टम देखिए, पहले सिस्टम को हमने कहा सेक्साडेसिमल, नंबर वन सेक्साडेसिमल सिस्टम, या हम इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम, इसको हम ये भी कह सकते हैं डिग्री मेजर, इसमें हम जो मेजर करेंगे वो डिग्री में करेंगे, डिग्री मेजर, मेजरमेंट डिग्री में होगा इस सिस्टम के अंदर। सेकंड क्या है, सेकंड आता है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मेजरमेंट होता है वो ग्रेड में होता है, या इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, या हम इसको लिखते हैं ग्रेड मेजर। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट सिस्टम आता है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है इसमें, तीनों सिस्टम की बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम की, क्या है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, क्या है सेंटेसिमल सिस्टम, और लास्ट वाला जो सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ये क्या है, तीनों को डिटेल में बताएंगे। पहले सबसे पहले वाले सिस्टम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले सिस्टम हमने लिखा है सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम, या आप इसको इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। देखिए इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये जो टोटल एंगल होता है, यदि हम बात करें, हमने अभी आपको बताया कि ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, ए कह रहे थे हम इसे, ये ओ है आपका वर्टेक्स, ठीक है, ये ओ के अबाउट रोटेट करता है, मतलब ये चारों तरफ घूम सकता है इस पोजीशन के, इधर भी और उधर भी, ठीक है, तो ओ पॉइंट फिक्स है आप ऐसा मान के चलिए। अब देखिए यदि हम देखें तो टोटल कितना घूम सकता है, वापस ऐसा तो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करें घूम के वापस यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बन के आता है, इसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल एंगल कहा जाता है। फाइनली यदि देखें तो टोटल घुमा हुआ है पूरा का पूरा एंगल, मैक्सिमम इतना ही एंगल बन सकता है एक हमारे रोटेशन में मैक्सिमम ये एंगल बन सकता है। तो इसमें ये जो टोटल एंगल बनता है सेंट्रल एंगल, इसको डिवाइड किया गया है 360 पार्ट्स में, ठीक है, हर एक पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री,
जितना भी एंगल है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, और सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट को डिग्री कहा जाता है। और डिग्री को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लिख देते हैं जो हमने अभी आपको बताया, इन दिस सिस्टम सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में हम डिवाइड करेंगे 360 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड एज, या हम इसको दिखाएंगे कैसे, 1 डिग्री लिख देते हैं इसको, 1, और ऊपर एक ऐसे गोला लगा देते हैं। ठीक है, अब एक डिग्री को फिर से डिवाइड करेंगे, इस 1 डिग्री को फिर डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री या ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। यहाँ लिखेंगे ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट, डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, एंड डिनोटेड बाय लिखिए, डिनोटेड एज लिखिए, 1 मिनट। ठीक है, ऐसे ही हर एक मिनट को हम डिवाइड करेंगे फिर से 60 सेकेंड्स में, एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड, ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने डिग्री को डिवाइड किया है मिनट में, मिनट को हमें फिर से डिवाइड करना है सेकेंड में। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सेकेंड, चलिए ठीक से लिख देते हैं, सही से नहीं देख पा रहे हैं आप, 1 सेकेंड एंड डिनोटेड एज 1, ये डबल लगा देना है ऊपर डैश डैश। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या हो जाएगा, सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमने पूरे सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हर एक पार्ट को हम डिग्री कहेंगे और डिनोट करेंगे ऐसे, 1 और ऊपर गोला लगा देना, इसको 1 डिग्री कहते हैं। ठीक, इसी तरह 1 डिग्री फिर से सब डिवाइड फर्दर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स फिर से डिवाइड हो जाएगा 60 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को 1 मिनट कहेंगे। ठीक उसी तरह हर एक मिनट फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट को हम सेकेंड कहते हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे। क्लियर है, तो हम फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ऐसा लिखा जा सकता है इसको कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इज इक्वल 60 मिनट, ये है आपकी 360 डिग्रीज, ये है आपका 60 मिनट्स, और ये है आपके 60 सेकेंड्स। तो ये था आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम, तो फर्स्ट सिस्टम हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, सेकेंड सिस्टम क्या कहता है। देखिए, सेकेंड सिस्टम का नाम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। जैसे फर्स्ट सिस्टम में हमने मेजर किया था डिग्री में एंगल को, ठीक इसी तरह इसमें हम मेजर करेंगे आपके ग्रेड में, इसको कहते हैं हम सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, तो यहां लिखेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम। यहां पर डिग्री मेजर ना होकर ग्रेड मेजर लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेड मेजर।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल एंगल जो हमारा डिवाइड होगा वो 400 इक्वल पार्ट्स में होगा। देखिए डिग्री में हमने क्या किया था, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यहां पर आपका 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 400 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड, हर एक पार्ट को वन ग्रेड कहेंगे। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, वन ग्रेड एंड वन जी, वन ग्रेड। ठीक है, हर एक जो ग्रेड है वो डिवाइड, फिर से डिवाइड होगा 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स और ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट, यहां पर भी इसको मिनट कहते हैं और डिनोट भी इसी टाइप से करते हैं जैसे हमने डिग्री सिस्टम में किया था। थर्ड पर चलते हैं, एक मिनट फिर से डिवाइड होता है, बस डिफरेंस यहां पर इतना है कि यहां पर जो डिवाइड होने के बाद 60 पार्ट्स में ना चेंज होकर 100 इक्वल पार्ट्स में ये बट जाता है और इसको मिनट को हम कहते हैं, इसको सेकंड कहा जाता है और सेकंड को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 400 ग्रेड, यहाँ लिखेंगे 400 जी, ये 100 मिनट और ये 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 400 ग्रेड्स, ये 100 मिनट्स, ये 100 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो हुआ हमारा, दो सिस्टम हो जाते हैं, एक तो हमारा सिस्टम हो जाता है पहला वाला सिस्टम, इसको हम डिग्री सिस्टम कह सकते हैं, सेकंड सिस्टम हमारा ग्रेड सिस्टम। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि यदि हम देखें तो दोनों में ही मिनट और सेकेंड्स आते हैं, डिग्री सिस्टम में भी मिनट और सेकंड है और ग्रेड सिस्टम में भी मिनट और सेकंड है। बस हमें ये याद रखना है कि डिग्री सिस्टम का एक मिनट ग्रेड सिस्टम के एक मिनट के इक्वल नहीं होता है। ठीक उसी तरह डिग्री सिस्टम का एक सेकंड ग्रेड सिस्टम के वन सेकंड के इक्वल नहीं होता है। तो ये बात हम नोट करके लिख लेते हैं, 1 डिग्री इन ग्रेड सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री इन डिग्री सिस्टम, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट इन ग्रेड सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 1 मिनट इन डिग्री सिस्टम। ठीक इसी तरह सिमिलरली 1 सेकेंड इन ग्रेड सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड इन डिग्री सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यदि हम डिग्री सिस्टम की बात करें तो 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यदि हम ग्रेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टोटल एंगल हमारा 400 पार्ट में डिवाइड होता है। तो नोट करके हम लिख लेंगे 1 मिनट इन डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम is not equal to 1 minute in grade system। ठीक इसी तरह 1 second in degree system is not equal to 1 second in grade system। ठीक है, तो ये बात ये हुई हमारे दो सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सिस्टम की तरफ, तीसरे सिस्टम की हम बात करेंगे। थर्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं, देखो थर्ड सिस्टम हो जाता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम कहते हैं, रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर, देखो क्या होता है, यदि इस सिस्टम की हम बात करें तो इस सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, इस सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। अब ये रेडियन क्या है, ठीक है, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। अब रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, देखो रेडियन मान लिया है सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये एक आर्क है, आर्क हिंदी में चाप कहा जाता है इसे। तो रेडियन क्या होता है, एक ऐसी चाप जिसकी लंबाई सर्किल के रेडियस के इक्वल है। मान लिया है सेंटर ओ है, ये हमने कहा ए, ये हमने कहा ए डैश, ये रेडियस आर है,
इट मींस ये भी आर रहा होगा। यदि इस चाप इस आर्क की लंबाई मींस ये आर हो जाए तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। एक सेम मींस रेडियस लेंथ की आर्क से जो एंगल बनता है सेंटर पर सर्किल के सॉरी उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। तो हम लिखेंगे इसे द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, द एंगल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क हूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। रेडियस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन, 1 रेडियन। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 और छोटा सा सी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडियन, क्लियर है। अब देखिए मान लिया कि ए ए डैश एक आर्क है, मान लिया ए ए डैश इज एन आर्क, इज एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर सच दैट, इस टाइप से है। मींस हमने ये कहा है कि ये इस सर्किल की आर्क है जिसका रेडियस आर है और हमने इस आर्क को इस टाइप से लिया है ए ए डैश इज इक्वल टू आर, देन ये जो एंगल बन के आएगा एंगल ए ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। या आप इसको 1 सी कह सकते हैं, 1 सी, क्लियर है। अब क्लियर हो गया रेडियन हम किसको कहते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि हम कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, कैसे हम रेडियन को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं या डिग्री को ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, मींस तीनों को एक दूसरे में चेंज कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एंगल्स की। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, इन सब की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं कुछ जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, किस मतलब किस लिमिट से किस लिमिट तक हमारी एंगल है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पहले एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। अब देखिए हम तीनों सिस्टम तो पढ़ी चुके हैं, हम किस किस में मेजर करेंगे एंगल को, हमारा पहला डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ठीक है। कन्वर्जन पढ़ेंगे हम अभी, इसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे, पहले बात कर लेते हैं एंगल्स की कि एक्यूट एंगल हम किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं। देखिए मान लिया एक एंगल है थीटा, ठीक है, डिग्री से ही हम लेकर चलते हैं। मान लिया एक एंगल थीटा है, एन एंगल थीटा इज कॉल्ड 1 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण कहते हैं इसको, इफ ये थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 degree, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। सेकेंड राइट एंगल, राइट एंगल समकोण कहते हैं हिंदी में इसको, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड पर आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस होता है अधिक कोण, अधिक कोण, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ठीक है। ऐसे ही ऑब्ट्यूस के बाद आती है बात स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर फिफ्थ
कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण. इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360. ठीक है, बना के भी दिखा देते हैं हम. 90 ये 0, 90, 180, 360. ये आपका एक्यूट, ये 90 डिग्री, ये आपका ऑब्ट्यूस, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें कंप्लीट संपूर्ण कोण, और लास्ट आ जाता है आपका शून्य कोण, जीरो एंगल, शून्य कोण. मींस ये थीटा इज इक्वल टू 360 और थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. मींस ये है ये टोटल एंगल 360 डिग्री. ये एंगल जब एंगल बनता ही नहीं है तो वो जीरो डिग्री. क्लियर है? तो ये सब चीजें हमने आपको बता दी है. एंगल्स क्या क्या होते हैं, कितने सिस्टम हैं एंगल्स को मेजर करने के. चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. देखिए आपको उम्मीद है हमें कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक भी ये क्लास शेयर कीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जेई क्लासेस मेरठ यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा. साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाए, फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको वहाँ पर, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. साथ ही क्लास का शेड्यूल, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है. चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.